बाबा रामदेव ने संन्यास दीक्षा पर्व समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में कई बच्चों और युवाओं को सन्यासी बनाया गया और उन्होंने संन्यास और धर्म की दीक्षा ली। इस संन्यास दीक्षा पर्व समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सरसंघ संचालक मोहन भागवत शामिल हुए। बाबा रामदेव ने कहा कि अब हमने देश को सन्यासियों की नारायणी सेना दे दी है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने अपने 29वें संन्यास दिवस पर एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने राष्ट्र धर्म के लिए 150 सन्यासियों को दीक्षा दिलाई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सरसंघचालक मोहन भागवत शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि राम राज्य शासन से नहीं आत्म अनुशासन से आएगा और इसके लिए योगमय सनातनमय आध्यात्ममय जीवन होना चाहिए। पतंजलि ने सन्यासियों की नारायणी सेना तैयार की है। यह सन्यासी सनातन धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानेंगे। रामदेव ने कहा, कुछ सनातन और भारत विरोधी शक्तियों को पतंजलि द्वारा किए जा रहे यह कार्य अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन उनको लगता है एक रामदेव उनके काबू में नहीं आया है। अब 250 और सन्यासी तैयार हो गए, अब उनका क्या होगा? ऐसे लोगों को अब बड़ा धक्का लगने वाला है। हर व्यक्ति के जीवन में राम का चरित्र, भगवान श्री राम की मर्यादा का अवतरण हो, राम राज्य शासन से नहीं आत्म अनुशासन से आएगा और उसके लिए योगमय वेदमय सनातनमय आध्यात्मिक जीवन की प्रतिष्ठा राष्ट्र और विश्व में हो, इसके लिए सनातन धर्म का और योग धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ने के लिए 250 सन्यासी पतंजलि के और वो भी विद्वान विदुषी सब वर्ग जातियों के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी सब वर्गों के बालक समर्थ सन्यासियों के रूप में, प्रामाणिक सन्यासियों के रूप में, सच्चे सन्यासियों के रूप में, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा ये नारायणी सेना है। ये ऐसे योगी कर्मयोगी सन्यासी हैं, ये पलायनवादी और प्रमादी सन्यासी नहीं, जातिवादी सन्यासी नहीं, राष्ट्रवादी अध्यात्मवादी वो सन्यासी जो अपने सनातन धर्म और सन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्मों को सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे सन्यासी बन रहे हैं। आज श्रद्धेय भागवत जी कह रहे थे कि मैं जो वर्षों पहले हरिद्वार में आता था तो बड़ी निराशा होती थी, हमारे सनातन धर्म के श्रेष्ठ सन्यासी प्रामाणिक योगी योद्धा सन्यासी कब तैयार होंगे। मैं आज आत्मसंतोष लेके जा रहा हूँ कि ऐसे समर्थ सन्यासी हमारे सनातन धर्म के तैयार हुए और अब सनातन धर्म का डंका देश नहीं पूरी दुनिया में बजेगा। देश में हो रही राजनीतिक उठापटक को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि आज के राजनेताओं में बहुत गलत सोच उत्पन्न हो रही है, यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। सभी राजनेताओं को राम चरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। हमें कुछ दिनों से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जो वाकई निंदनीय है। राजनेता रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, अब ऐसे नेताओं पर क्या बोला जाए? उनके लिए तो इतना ही कहना है कि जिनका मानस ठीक नहीं है उनको रामचरितमानस में भी दोष नजर आते हैं। 30 किलो के लगभग तो अपना वेट कम किया, अपनी पोती रुद्री को जो वेद दर्शन उपनिषद भगवत गीता पढ़ाते हैं उनको यह है कि मैं सनातन को जीता हूं, ऐसे सब सात्विक का आत्माओं की संवेदनाएं, उनके शुभाशीष, उनके पाथे, उनका मार्गदर्शन मिला और हम अभिभूत हैं कि देश की सारी सात्विक शक्तियां पतंजलि के सन्यासी होने में गौरव अनुभव कर रही हैं। ये अलग बात है कि कुछ सनातन विरोधी भारत विरोधी शक्तियों को पतंजलि का ये जो गौरव है, ये जो अध्यात्म का वैभव है, वो रास नहीं आता। उनको ऐसा लगता है एक रामदेव तो काबू में आ नहीं रहा था, अब 250 और तैयार हो गए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो मेडिकल माफिया है, ड्रग माफिया है, जो रिलीजियस माफिया है, जो कॉरपोरेट माफिया है और कुछ ऐसे भी राजनीतिक माफिया इस देश में जो इस देश की एकता अखंडता और संप्रदाय को तोड़ना चाहते हैं, उन सबको अब एक बहुत बड़ा जोर का झटका सा लग रहा है कि अब क्या होगा।
एक सन्यासी का सामर्थ्य इन्होंने अब भी देखा है, महर्षि दयानंद को भी देखा, स्वामी विवेकानंद को भी देखा। सन्यासियों का सामर्थ्य इतना बड़ा होता है, उनको सन्यासी को दैवी शक्तियों का आशीर्वाद होता है, सन्यासी को भगवान का प्रतिनिधि माना है। और हमने ऋषियों के ऐसे वंशधर तैयार किए हैं, ये भगवान के यंत्र बन करके अपने जीवन में सारे वैदिक सनातन सत्यों को अपने आचरण में उतार करके जब समाज के सेवा के लिए, राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए देश ने पूरी दुनिया में जब जाएंगे, अब सारी दुनिया में सनातन धर्म का, भारत का झंडा ऊंचा रखेंगे, भारत का मान बढ़ाएंगे, ऐसे सन्यासी बने। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।